हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ दांडी, जहाँ पे गांधी जी ने नमक के लिए सत्याग्रह किया था। और वो वाली प्लेस आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, वहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए है। तो फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं दांडी। चलो गाइस, बाइक को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं अपने मंजिल की ओर। और आज तो गाइस मैं अकेले ही निकल पड़ा हूँ घूमने के लिए। फिलहाल तो अभी मैं पहुंच गया हूं नवसारी, यहां से दांडी रोड पकड़ लेता हूं। और गाइस यहां से 18 किलोमीटर की दूरी है दांडी का। और अभी तो फिलहाल मैं ओवरब्रिज पे पहुंचने वाला हूं और यहां से राइट टर्न लेके सीधा पहुंच जाऊंगा दांडी पथ के पास। यहां सर्कल है और सर्कल के पास से दांडी पथ स्टार्ट होता है और सीधा अभी तो पहुँच गया दांडी। तो चलो अंदर चलते हैं और मेरा वीडियो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। हेलो गाइस, अभी तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। पहले तो टिकट निकाल लेता हूँ और उसके बाद अंदर चलते हैं। गाइस अभी तो मैंने टिकट निकलवा लिया और टिकट के 20 रुपये हैं यहाँ पर, और बाइक लेकर आया तो पार्किंग के भी 10 रुपये लिए हैं उन लोगों ने। तो फिलहाल तो अंदर लेकर चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल। चलो अंदर चलते हैं यहाँ से। यहाँ पर एंटर होते ही सामने ये बोर्ड लगाया है, यहाँ पर आपको टाइम और फीस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर एंटर होते ही सबसे पहले आपको ये स्टैचू दिखेगा जिसमें गांधी जी ने नमक पकड़ के रखा है, क्योंकि गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था तो उसकी वजह से ये स्टैचू बनाया है यहाँ पर। यहाँ पर तो ये ब्रिज भी है। चलो यहाँ से चलते हैं अंदर। आज तो गाइस अकेले सब कुछ एंजॉय कर रहा हूँ और अभी तो मैं ब्रिज पर पहुँचा हूँ। और गाइस यहाँ पे कैनल है जिसमें मानसून का सारा पानी निकलता है यहाँ से। ये यह आपके सामने है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक, जो पत्थर पे लिखा गया है। यहाँ पर एंटर होते ही भैया को टिकट दिखाना पड़ता है और मैंने टिकट भी दिखा दिया है। अब अंदर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको लेफ्ट साइड का व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद राइट साइड का व्यू दिखाऊँगा। और यहाँ पर यह स्टैचू भी बनाया गया है। जिसने भी ये स्टैचू बनाया होगा गाइस, उसके हाथ में तो जादू होगा, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत बनाया है। चलो अभी तो आगे चलते हैं, अभी तो बहुत कुछ दिखाना बाकी है आप लोगों को। यहाँ से तो दांडी कुछ स्टार्ट होती है, तो चलो अंदर चलते हैं। और गाइस ये देखो, ये यहाँ पर है गांधी जी का स्टैचू और यहाँ पे जितने भी साथी थे ना गांधी जी के, उन लोगों के सारे स्टैचू बनाए हैं। तो चलो मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ सब कुछ। ये देखो गाइस, सामने बहुत बड़ा तालाब भी है और यहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है। तो चलो अंदर चलते हैं। जब गांधी जी ने यात्रा स्टार्ट की थी तब जो हुआ था उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरीके के काफ़ी सारे स्टैचू बनाए गए हैं यहाँ पर और इसके नीचे नेम प्लेट भी लगाई गई है और उस पर सारी जानकारी भी लिखी गई है। ये देखो गाइस, ये सामने है आपके और ये स्टैचू है और इसके नीचे ही प्लेट लगाई गई है और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। यहाँ पर जो सामने स्टैचू है इसमें गांधी जी सभी को यात्रा के बारे में प्रोत्साहन दे रहे हैं और समझा रहे हैं। इस तरह के काफ़ी सारे पौधे यहाँ पर हैं और इस तरीके के बैठने की जगह भी है यहाँ पर। 6 अप्रैल 1930 की सुबह में गांधी जी ने नमक अपने हाथ में उठाया और नमक का कानून तोड़ दिया। फाइनली वहाँ से तो अभी यहाँ पर आ गया हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सामने जो लाइन है यहाँ से क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गार्ड भी रखे हैं जो यहाँ पे पूरा ध्यान रखते हैं। अभी तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। और गाइस यहाँ पर गांधी जी का स्टैचू है मेन, सिद्धार्थ साठे, ये नाम तो मैं पहली बार देख रहा हूँ आज। और ये है सामने गांधी जी का स्टैचू और ये उसके जो सारे साथीदार थे उन सभी का स्टैचू है यहाँ पर। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को यात्रा का आरंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 को सवेरे 6 बजे नमक हाथ में लिया और नमक का कानून तोड़ा था और उसकी याद में यहाँ पर ये सारे स्टैचू बनाए हैं। यहाँ से आगे चलते हैं, और भी दिखाना है आप लोगों को। यहाँ से सभी जगह पूरे अच्छे से दिखाई देती है। और ये देखो, ये सामने पूरा तालाब है और ये यहाँ पर गांधी जी का स्टैचू और यहाँ पर पीछे की साइड पर सारी मूर्तियाँ हैं। ये देखो गाइस, ये है सामने तालाब, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये स्काई की वजह से पूरा ब्लू दिखाई दे रहा है आज तो। साइड से 2 लंबे पोलों को खड़ा किया गया है और सेंटर में लाइट भी लगाई गई है और इसके नीचे ही ये गांधी जी का स्टैचू बनाया गया है। और गाइस ये स्टैचू काफ़ी खूबसूरत भी बनाया है यहाँ पर,
और अंदर जाने की परमिशन नहीं है इसमें, तो बाहर से ही दिखा देता हूँ मैं। मयंक 1313 मयंक 13 ब्लॉग। ये सभी भाई मुझे अपने चैनल का नाम पूछ रहे हैं, तो मैंने सभी को बता दिया मयंक 13 ब्लॉग। और गाइस ये लोग को तो अभी पेड़ को काट रहे हैं अच्छे से। ये कोनो कार्पेट का प्लांट है और इसको कट करके अभी राउंड शेप दे रहे हैं। ये देखो गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और गाइस यहाँ पे स्टैचू के लेफ्ट साइड में ही आपको ये सोलर पैनल का पूरा जंगल दिख जाएगा, जहाँ तक नजर जाएगी पूरी सोलर लगाई गई है यहाँ पर। अभी तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, तो चलते हैं अंदर। ये देखो गाइस पीछे ये पूरी सोलर पैनल लगाई गई है। अभी तो मैं आपको लेकर चलता हूँ भोजन गृह में, वो भी काफ़ी अच्छे से बना है यहाँ पर। ये सिर्फ देखने के लिए है, यहाँ पर बैठने की मनाही है, और ये काफ़ी अच्छे से भी बनाया है। ये देखो पूरा ये पत्थर का बनाया हुआ है यहाँ पे। रोज़ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग विज़िट करने के लिए भी आते हैं, और आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आते हुए देखा है। यहाँ से म्यूज़ियम में चलते हैं। यह है 3D पेपर मैंडुला, और ये काफ़ी खूबसूरत भी है यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, ये 3D पेपर मैंडुला, और ये रहा दूसरी चीज़, और ये है माइक्रोस्कैप्चूला। और ये दो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलो यहाँ से निकलते हैं, और आपको लास्ट प्लेस पर लेकर चलता हूँ सेल्फी विला में। यहाँ पर आपको गांधी जी के 2 से 3 चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गांधी जी जो चरखा चलाते थे, तो उसका स्टैचू है यहाँ पर। ये देखो गाइस ये है आपके सामने, ये है गांधी जी का टाइम का फ़ोटोज़। सो गाइस अभी तो सब कुछ देख कर आया, लेकिन अभी इमरजेंसी थोड़ी कॉल आ गई, तो काम की वजह से जाना पड़ेगा घर पे। तो आज भी तो मैं घर पे जा रहा हूँ, और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ।